सीएम योगी ने खबर को लिया संज्ञान, श्रावस्ती के उत्पात टीचर पर हुई कार्यवाही, हो गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से आपको एक दिन पहले खबर वायरल की गई थी, जहां पर एक टीचर के द्वारा एक बच्चे की पिटाई की गई थी। उस पिटाई के दौरान बच्चे का ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसके टीचर के ऊपर परिजनों ने काफी ज्यादा आरोप लगाया था तथा धरना भी दिया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में अपराध अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती केशव चंद गोस्वामी और क्षेत्र अधिकारी नगर भेनगा अतुल कुमार चौबे के कुशल निर्देशन में थाना अध्यक्ष पंकज कुमार, थाना सिरसिया में हमारा टीम द्वारा थाना सिरसिया पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 255/2022 धारा 304, 323, 504, 506 से संबंधित वांछित अभियुक्त अनुपम पाठक पुत्र पवन कुमार पाठक निवासी बनगाई थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से दिनांक 19/8/2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुपम पाठक पुत्र पवन कुमार पाठक निवासी बनगाई, जो थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के रहने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि 18/8/2022 को वादी मुकदमा सुकुमार पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम बनकटवा खुर्द थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सिरसिया पर उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरा भतीजा ब्रजेश पुत्र नीबर प्रसाद उम्र करीब 13 वर्ष, जो दिनांक 8/8/2022 को अपने घर से पढ़ने के लिए पंडित ब्रह्मदत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चैलाही सिरसिया श्रावस्ती गया था तथा स्कूल के अध्यापक अनुपम पाठक ने उसके भतीजे को बहुत मारा पीटा। इलाज के दौरान ब्रजेश विश्वकर्मा की मौत हो गई थी। 17/8/2022 को शाम को करीब 5 बजे ब्रजेश विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना पर थाना सिरसिया पर मुकदमा संख्या 255/2022 धारा 304, 323, 504, 506 बनाम अनुपम पाठक पुत्र पवन कुमार पाठक निवासी बनगाई थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के विरुद्ध अभी पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में दिनांक 19/8/2022 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल के लिए रवाना किया गया है। थाना सिरसिया क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बच्चे की, जो कक्षा 3 में अपने गाँव के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था, उसके जनपद बहराइच में अस्पताल में 17 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में छात्र के चाचा द्वारा एक तहरीर थाना सिरसिया में कल दी गई थी, जिसमें अंकित किया गया था कि स्कूल के टीचर द्वारा छात्र को 8 अगस्त को मारा पीटा गया था। उक्त संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। नामित अभियुक्त टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले।